हेलो गाइस, हैव अ नाइस डे। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर आज का टॉपिक है। तो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के स्टेप्स को देख लें संक्षेप में। डिजाइन स्ट्रेस एफसीडी इज अज्यूम्ड एज बिलो। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेस में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक फार्मूला था, PD बराबर AE इंटू FCD। जब हम कॉलम का डिजाइन करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पर लोड कितना आ रहा है वो दिया हुआ है। तो लोड इज गिवन, कॉलम अभी कौन सा है ये हमको नहीं मालूम है, इसका मतलब उसका एरिया भी नहीं मालूम है। तो फिर FCD एक्चुअली डिपेंड करता है लैम्डा पर, और लैम्डा इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ जायरेशन पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब FCD हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो FCD भी अननोन है, ये भी अननोन है, केवल ये चीज नोन है। बस इसीलिए हम ये जो कॉलम है यहां पर फिर डिजाइन करने के लिए अनुभव के आधार पर कॉलम को तीन श्रेणियों में पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। हल्के कॉलम, मीडियम कॉलम और हैवी कॉलम। हल्के कॉलम में एंगल स्टेट आते हैं, और मीडियम कॉलम में सिंगल आई सेक्शन आता है। सिंगल आई सेक्शन का जो है ये हमारा हल्के कॉलम में आता है, और हैवी कॉलम में वो बिल्टअप कॉलम आते हैं जिसमें दो आई सेक्शन और कवर प्लेट हो, या एक आई सेक्शन और कवर प्लेट हो इत्यादि, दो चैनल सेक्शन हो उनके ऊपर कवर प्लेट हो, ये सारे बिल्टअप सेक्शन में आते हैं। तो यहां पर जो है ये तीन तरह के कॉलम हो गए। प्रत्येक कॉलम के लिए FCD का मान हम अनुमान से चयन कर लेते हैं, एक डिजाइन की हेल्प के लिए, अनुभव लगभग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो एंगल स्टेट के लिए जो ये FCD का मान है वो हम 90 न्यूटन पर mm² मान लेते हैं। आई सेक्शन के लिए ये प्रतिबल हम 135 न्यूटन पर mm² मान लेते हैं, और हैवी कॉलम के लिए ये प्रतिबल हम 200 न्यूटन पर mm² मान लेते हैं। तो ये इन तीनों के लिए क्रमशः 90 न्यूटन, 135 न्यूटन और 200 न्यूटन पर mm² का प्रतिबल मान लिया जाता है। तो ये हमारे अनुमानित प्रतिबल हैं, अज्यूम्ड स्ट्रेसेस हैं। तो ये प्रतिबल मान लेने के बाद फिर हम उसी फार्मूले से PD बराबर AE इंटू FCD। यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले को अगर हम सीधा कर दें तो AE इंटू FCD बराबर PD हो गया। तो इसी फार्मूले से हम AE बराबर लिख लेते हैं, AE बराबर PD अपॉन FCD। अब इसमें PD यहां पर क्या है, ये हमारा दिया हुआ लोड होता है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि इस कंप्रेशन मेंबर के ऊपर इतना लोड आ रहा है, वही लोड हमारा फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर लेने के बाद, या फैक्टर लोड होना चाहिए। तो ये फैक्टर लोड डिवाइडेड बाई FCD जो ऊपर से प्रतिबल माने हैं उसी के अनुसार हम एरिया ये ज्ञात कर लेते हैं। जब हमने एरिया ज्ञात कर लिया, उसके बाद स्टील टेबल से सिलेक्ट द सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल से खंड का चयन कर लेते हैं, और उस जो चुना गया खंड है उसका एरिया इस एरिया से 20-40% ज्यादा होना चाहिए। कंप्रेशन मेंबर में वैसे ये शर्त आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहां रिबिट होल डिडक्शन नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि जो चुना गया खंड है उसका क्षेत्रफल यहां से कैलकुलेशन से जो एरिया आया है इससे कुछ ज्यादा ही लेना चाहिए। तो ये आप केवल 10% की रेंज में ज्यादा चुन सकते हैं, या थोड़ा बहुत ज्यादा होना आवश्यक है। तो वही खंड चुन करके हम तय कर, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी, उस सेक्शन की सारी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में नोट कर लेते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी में क्या क्या आप नोट करेंगे वो ये आप देख लीजिए, क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। यानी हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ सकती है, रेडियस ऑफ जायरेशन तो आप दोनों नोट कर ही लीजिए, दोनों मेनली मिनिमम वाला जरूर नोट कर लीजिए। वैसे जितने दिए गए हों रेडियस ऑफ जायरेशन वो सब नोट कर लीजिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नोट कर लीजिए, एरिया जरूर नोट कर लीजिए, इतनी चीजें कम से कम नोट कर लीजिए। और नोट कर लेने के बाद
फिर उसी सेक्शन का लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ज्ञात कर लीजिए, यानी जितने रेडियस ऑफ जायरेशन दिए गए हों कुछ उसमें टेबल में, उनमें से जो सबसे कम है वो कितना है उसको ज्ञात कर लें। अगर हमारा दो एंगल का सेक्शन बनाया गया है तो उसमें हम दोनों जड़त्व आघूर्ण निकालें, उनमें से जो जड़त्व आघूर्ण कम हो उसकी सहायता से फिर हम आर की वैल्यू निकालें, आर मिनिमम का मान। अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो वहां पर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि दो खंड के केस में मिनिमम कैसे ज्ञात करते हैं। एज पर कंडीशन गिवन बिलो, गिवन और एज्यूम, फाइंड द इफेक्टिव लेंथ, यानी जो एंड कंडीशन है कॉलम की उनको मानते हुए, यानी जैसे एंगल है तो ये सिरे पे मान लो एक बोल्ट लगा है कि दो बोल्ट लगे हैं, ये तो बेटर होता है कि आप दो बोल्ट मान लीजिए। तो दो बोल्ट मान करके एक भी मान सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है एक तो एक ले लें, दो दिए हैं तो क्योंकि तालिका में दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हम बता चुके हैं कि प्रभावी लंबाई के लिए क्या क्या वैल्यू ली जाएगी। इसके बाद होता है लेमडा मैक्सिमम का मान, स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम से डिवाइड करके। इफेक्टिव लेंथ में प्रभावी लंबाई है ये केएल बटे आर मिनिमम, यहां से लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब लेमडा मैक्सिमम हमारा ज्ञात हो जाए उसके बाद वही बकलिंग क्लास का चयन करके कि हमारा सेक्शन कौन सा है, इसका बकलिंग क्लास क्या है, और बकलिंग क्लास के अकॉर्डिंग जो है प्रतिबल की टेबल या स्ट्रेस की टेबल जो है आप ढूंढ लीजिए, और उसी टेबल में से एफसीडी की वैल्यू अभी जैसे बताया उसी तरह से पिछले वीडियो में जो बताया था उसी के अनुसार देख लीजिए। तो यहां से एफसीडी की वैल्यू नोट कर ली जाती है, फिर जब एफसीडी की वैल्यू हमने इंटरपोलेशन मेथड से हल कर ली उसके बाद हम स्ट्रेंथ कॉलम की दोबारा निकालते हैं, कॉलम की स्ट्रेंथ कितनी है जो खंड हमने चुना है। पीडी बराबर एई, ये एक्चुअल एरिया ऑफ दी सेक्शन, जो आपने स्टील टेबल से सेक्शन चुना है उसका एक्चुअल एरिया गुणे एफसीडी, इससे ये स्ट्रेंथ निकाल ली। ये स्ट्रेंथ कॉलम पर आ रहे लोड से अधिक होनी चाहिए, ये जांच जरूर कर लें कि जो तुमने स्ट्रेंथ यहां निकाली है वो कॉलम पर जितना लोड आ रहा था शुरू में उस लोड से ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा है तो ये खंड सुरक्षित है चुना हुआ, अन्यथा खंड को दोबारा चुनना होगा। तो ये एक सिंपल डिजाइन स्टेप है, ये आप सभी में करते हैं। यहां देखिए एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, डिजाइन ए एंगल स्टड फॉर ट्रस के लिए हैविंग 160 किलो न्यूटन फैक्टर लोड, यानी उसके ऊपर 160 किलो न्यूटन का फैक्टर लोड आ रहा है। लेंथ ऑफ स्टड इज 2 मीटर, मतलब स्टड की लंबाई जो है ये 2 मीटर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया एई, अभी जो फार्मूला बताया था, एंगल के लिए प्रतिबल की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 90, तो पीडी बटे एफसीडी, एई बराबर पीडी बटे एफसीडी, और पीडी का मान जो है दिया हुआ लोड क्वेश्चन में है 160 किलो न्यूटन का, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके और इसमें जो एफसीडी की वैल्यू है एंगल के लिए 90 मानी जाती है, तो 90 मान लेते हुए इसमें भाग लगा दिया 90 का, ये 1777.77 आ गया मिलीमीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया हमको चाहिए। अब हम इसके बाद स्टील टेबल में सेक्शन देखते हैं। यहां एक बात ध्यान दें कि हमको एक एंगल का, सिंगल एंगल का कंप्रेशन मेंबर बनाना है, स्टड बनाना है, तो एक एंगल के स्टड की सामर्थ्य दोनों डायरेक्शन में समान होनी चाहिए, वो सेक्शन ज्यादा बेटर होता है। इसलिए अनइक्वल एंगल के स्थान पर इक्वल एंगल का चयन करेंगे यहां पर हम। तो इक्वल एंगल की टेबल हम निकालते हैं स्टील टेबल, और इक्वल एंगल की स्टील टेबल से ऐसा खंड चुनते हैं जिसका एरिया इससे अधिक हो। तो उसमें हमने देखा कि एक ये सेक्शन है 100x100x10 mm, इसका एरिया हमारा 1903 है, तो 1777 ये लगभग 1800 के आसपास है, तो हमने 1900 का एरिया वाला सेक्शन चुन लिया। तो ये हमने खंड चुना है जिसका एरिया इतना है, और इसमें जो रेडियस ऑफ जायरेशन है मिनिमम वो RVV है। यहां पर इस चीज को जरूर देखें कि ये RVV जो है सिंगल एंगल में
ये दो अक्ष तो ये हो गई हमारी मेन, इनको कि पहले एक्स अक्ष बोला जाता था, ये वाई अक्ष बोलते थे, अब इसी को हालांकि जेड कहने लगे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक इसमें एक्चुअली कॉलम या तो इधर को बहकेगा या कॉलम इधर को बहकेगा, यानी एंगल या तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, ये माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें एक्चुअली कॉलम जो है इस डायरेक्शन में बहकता है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हाँ देखिए इस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होता है, तो यही अक्ष हमारी वीवी अक्ष कहलाती है, और इस डायरेक्शन में जो अक्ष होती है वो यूयू अक्ष कहलाती है। यूयू पर जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक होता है, यू और वीवी पर यानी इस अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, इसीलिए इसी अक्ष पर रेडियस ऑफ जायरेशन भी इसका सबसे कम होता है। तो स्टील टेबल के प्रॉपर्टी में तीनों वैल्यू दी गई हैं, आर एस एक्स दिया हुआ है, आर वाई वाई दिया हुआ है और आर बी वी दिया हुआ है। आपको कॉलम के लिए हमेशा मिनिमम आर जिसकी वैल्यू हो उसी का प्रयोग करना है, तो इसीलिए आर बी वी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो स्टील टेबल से हमने आर बी वी की वैल्यू देखी, वो 19.4 है इस एंगल के लिए, तो ये हमने नोट, तो ये प्रॉपर्टीज है स्टील टेबल से। एरिया केवल इन्हीं दोनों की जरूरत है, यहाँ पर सिंगल एंगल है, चूंकि अगर ये डबल एंगल होता तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी जरूरत पड़ती, उसे भी हमें नोट करना पड़ता। तो अब देखिए अगला स्टेप है आर मिनिमम कितना है, आर मिनिमम इज इक्वल टू आर बीवी इज इक्वल टू 19.4, यही हमारा आर मिनिमम है। इफेक्टिव लेंथ, अब इफेक्टिव लेंथ की गणना करें, अब इसमें एज्यूमिंग टू बोल्ट एट ईच एंड, प्रत्येक सिरे पर दो दो बोल्ट मान लें, क्योंकि जब डिजाइन करते हैं क्वेश्चन में तो सारे डाटा नहीं दिए जाते हैं, कुछ स्वयं मान लिए जाते हैं, तो हमने सिरे पर दो बोल्ट मान लिए, तो एज्यूमिंग टू बोल्ट एट ईच एंड, जब दो बोल्ट लगे होते हैं तो फिर प्रभावी लंबाई का फार्मूला पिछली टेबल से 0.85L के बराबर आता है, ये 0.85L के बराबर आता है, तो ये 0.85L हमारा प्रभावी लंबाई हो गई। इसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो की गणना करते हैं, लेमडा मैक्सिमम बराबर इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम, यानी केएल अपॉन आर मिनिमम, केएल का मान 0.85L है, तो 0.85 इंटू एल प्रभावी लंबाई, यानी 2 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है, तो 2 मीटर का 2000 मिलीमीटर लिख लिया। आर मिनिमम 19.4 दिया हुआ है, ये मिलीमीटर में है, ये अनुपात निकाला तो ये अनुपात आ गया 87.62, यानी लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू तुम्हारी आ गई 87.62। अब इसी के लिए तुमको एफसीडी की वैल्यू देखनी है, तो यहां देखिए फ्रॉम टेबल, अब एंगल के लिए बकलिंग क्लास तो सी होता ही है, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एंगल के लिए जो है बकलिंग क्लास सी है, तो हम टेबल जो है एफसी ढूंढेंगे फॉर बकलिंग क्लास सी, उसी टेबल से हम ये नोट करेंगे हमारी वैल्यू कितनी थी 87 समथिंग है, तो हमको 80 और 90 लेमडा इजिकल टू 80 और लेमडा इजिकल टू 90 इन दोनों की वैल्यू एफसीडी की टेबल से नोट करनी है। तो 80 के लिए इसका मान है 136 और 90 के लिए है 121, ये दोनों वैल्यूज हमने नोट कर ली। हमको लेमडा इजिकल टू 87.62 पर अब हम इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा, वही इंटरपोलेशन मेथड इसका हम जिक्र पीछे कर चुके हैं, तो इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा एफसीडी की गणना हम यहां से कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई 124.57 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जब एफसीडी हमको ज्ञात हो गया तो डिजाइन स्ट्रेंथ जो है ऑफ एंगल कितना आ गया, पीडी इक्वल टू एई इंटू एफसीडी, यही बेसिक फार्मूला है, तो ये एरिया ऑफ द एंगल होगा जो कि आपने चुना है, तो चुने गए खंड का एरिया कितना था 1903 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1903 मिलीमीटर स्क्वायर में हम एफसीडी 124.57 यानी ये हमने जो कैलकुलेट किया है इसका यहां रख करके इसको सॉल्व किया, ये हमारा 237 किलो न्यूटन आ गया। हम और हमारा एंगल पर जो लोड आ रहा था वो केवल 160 किलो न्यूटन का आ रहा था, इसका मतलब हमने जो खंड चुना है एंगल उसकी सामर्थ्य दिए गए लोड से ज्यादा है, इसलिए सुरक्षित है, हेंस ओके, या हेंस ओके कर सकते हो बस, या हेंस सेफ भी लिख सकते हो,
तथा सुरक्षित है। तो ये तुम्हारा एंगल का एक क्वेश्चन हो गया इसको सॉल्व करने के लिए। एंगल के बाद अगला क्वेश्चन हम कराएंगे आई सेक्शन का, कि आई सेक्शन की सामर्थ्य पहले इसका कराएंगे, आई सेक्शन से पहले कराएंगे दो एंगल सेक्शन का और आई सेक्शन का, दो क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो ये इसका टॉपिक यहीं पूरा होता है। टिल नेक्स्ट वीडियो।